हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। उन्नतराज शिक्षक भर्ती सबसे महत्वपूर्ण अपडेट उन्नतराज शिक्षक भर्ती के ऊपर। चयनितों की मार्कशीट के साथ फंसी है नियुक्ति और उन्नतराज शिक्षक भर्ती के जितने भी संबंधित अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सुपर टेट क्वालिफाई किया है, उन सभी सुपर टेट पास करने वालों का पूरा डाटा तलब किया गया है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। और ये आज की करंट की शाम की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है। बेसिक शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र बांटने का समय मांगा है, जो थर्ड काउंसलिंग विशेषता लोगों के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है। इसके अलावा ओबीसी अभ्यर्थियों ने घेराव किया शिक्षा मंत्री का। बेसिक शिक्षा मंत्री ने 4 दिनों का समय मांगा है उनके मामले का निस्तारण करने के लिए। तो तमाम शिक्षा विभाग से जुड़े 69 शिक्षक भर्ती की अपडेट को इस वीडियो में क्लियरफाई कर लेते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। सचिव परीक्षा नियोग प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जिन्होंने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज को ये सौंपा है ज्ञापन, जिसमें स्पष्ट तरीके से विषय है कि 69 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक के सत्यापन के संबंध में है। और यहाँ डेट देख सकते हैं 5 जुलाई 2021 की। इसमें क्या कहा गया है कि उपयुक्त विषय को 69 सहायक अध्यापक नियुक्त प्रक्रिया के तृतीय चरण की गतिमान काउंसलिंग के अंतर्गत जितने भी चयनित कतिपय अभ्यर्थियों के सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के परीक्षा परिणाम के प्रति उपलब्ध न होने के संबंध में जो शिक्षा निदेशक हैं, बेसिक के निदेशक और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परीक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दूरभाष पर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की सूची वेबसाइट के माध्यम से सत्यापित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अब उक्त दिए गए निर्देश के क्रम में अवगत कराना है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के घोषित परीक्षाफल दिनांक जो 12 मई को आया था 2020 में, उसमें 146,060 अभ्यर्थी ने प्राप्तांकों का विवरण विभागीय वेबसाइट, जो इनकी वेबसाइट है btsexam.in पर उपलब्ध है, उक्त वेबसाइट के माध्यम से सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का सत्यापन किया जा सकता है। ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी को ये बात कही गई थी कि जितने भी थर्ड काउंसलिंग से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनका डाटा अवेलेबल नहीं हो पा रहा था किन्हीं कारणों बस। तो ये पूरा ये डाटा अवेलेबल है, हर जगह ग्रुप में वो ट्रैवल कर रहा है, तो जितने लोग पास हैं उन सभी का डाटा वहाँ पर उनको उपलब्ध हो जाएगा, ताकि उनका जॉब फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा कि हाँ ये वैलिडेट अभ्यर्थी है, काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, अब 69 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो प्राप्तांक है इसने क्वालिफाई किया है अथवा क्या किया है, कितना अंक उसको प्राप्त है, वो वहाँ से ऑथेंटिकेट हो जाएगा। उसी के संबंध में ये अपडेट निकाली गई है। और 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित मार्कशीट के साथ फंसी नियुक्ति, 69 सहायक अध्यापक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी मुश्किलें हैं। और बीएड की मार्कशीट में भी फंसा है पेज और वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है मार्कशीट, संबंधित विभाग डुप्लीकेट मार्कशीट जारी करने को तैयार ही नहीं हो रहा है। 69 शिक्षक भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों की तीसरे चरण की काउंसलिंग तो पूरी हो गई, लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पास सुपर टीटी की मार्कशीट न होने के कारण उनकी नियुक्ति फंस गई है। और इसी वजह से अभी शाम को आपको ये अपडेट जो मैंने सबसे पहले दी है इसी संबंध में कि उनको डुप्लीकेट मार्कशीट अवेलेबल नहीं हो पा रही है, जिनकी मार्कशीट खो गई है किन कारणों बस। तो वहीं अलग अलग जिलों में काउंसलिंग के दौरान मार्कशीट प्रस्तुत न कर पाने वाले भर्तियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि 1 सप्ताह में मार्कशीट प्रस्तुत करें, जबकि शासनादेश है कि मार्कशीट न होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को 3 महीने का वक्त दिया जाए और मार्कशीट उपलब्ध कराने पर ही नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो इसी संबंध में आपके परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को वो पत्र लिखा, और जिसमें संबंधित लगभग 22 MB का डाटा है, जिसमें सभी 146,060 जो जिन्होंने क्वालिफाई किया है उन सभी का डाटा वहाँ पर अवेलेबल करा दिया है। अब उम्मीद है कि किसी प्रकार की कोई भी परेशानी थर्ड काउंसलिंग वालों को जिन्होंने कराई है तो उनको नहीं देखने को मिलेगी। और थर्ड काउंसलिंग को लेकर ही लगातार अपडेट में तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है। शासन प्रशासन और कर्मचारी की बेसिक शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र वितरण का मांगा है समय। और बेसिक शिक्षा विभाग में 69 सहायक अध्यापक भर्ती में से रिक्त रह गए 66-96 पदों पर प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे।
विभाग ने मुख्यमंत्री से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण के लिए समय मांगा है और पूर्व में 30 जून को नियुक्ति पत्र वितरण करने का कार्यक्रम था जिसे स्थगित कर दिया गया था। तो उम्मीद है कि जल्द ही थर्ड काउंसलिंग वालों जो 696 अभ्यर्थी हैं उनको सुखद जो न्यूज़ है वो हम देते हुए नजर आएंगे। और उम्मीद है महादेव से भी यही प्रार्थना है कि आप सभी को बेहतर से बेहतर जो काउंसलिंग कराने के बाद वैलिडेट जितने अभ्यर्थी हैं विभाग को भी, बेसिक शिक्षा विभाग को भी और उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा विभाग को मजबूती मिलेगी आप सभी होनहार प्रतियोगियों को सहायक अध्यापक के तौर पर पाकर। और जो अगली अपडेट है कि 69,000 के ओबीसी अभ्यर्थियों को आश्वासन, बेसिक शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन, आयोग की रिपोर्ट देखने के बाद करेंगे कार्रवाई और अभ्यर्थियों से शिक्षा मंत्री ने मांगा है 4 दिन का समय। और ये ट्वीट है भारत समाचार का भी कि 69,000 भर्ती के ओबीसी भर्तियों को आश्वासन दिया गया बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि आयोग यानी कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी जो रिपोर्ट है उसको देखने के बाद संबंधित कार्रवाई करेंगे और अभ्यर्थियों से बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने 4 दिन का समय मांगा है। तो उम्मीद है कि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो भी कमी होगी उसको पूर्ण करने के लिए, वो क्षति को पूर्ण करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग आगे इसमें ठोस कदम उठाएगा और थर्ड काउंसलिंग में जो वैलिडेट अभ्यर्थी हैं, जो वैलिड कैंडिडेट हैं उनको लेकर आगे बढ़ेगी। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।